नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। दिल्ली के सिंहासन पर आज के दिन बैठा था मुगल बादशाह बाबर। मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। बाबर ने 1504 में काबुल और 1507 में कंधार को जीतकर बादशाह यानी शाहों का शाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने 1519 से 1526 के बीच भारत पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन 1526 में पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर उसने दिल्ली पर कब्जा किया। बाबर को मुबय्यान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। आज के दिन पृथ्वी पर वापस लौटा था अपोलो 16। 27 अप्रैल 1972 को अमेरिकी स्पेशलिस्ट अपोलो 16 धरती पर वापस लौटा था। इस मिशन में गए सभी एस्ट्रोनॉट सफलतापूर्वक जमीन पर वापस आ गए थे और इसी के साथ उन सब का नाम इतिहास में दर्ज हो गया था। यह मिशन चांद और अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ था। अपोलो 16 मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को एक खास वाहन दिया गया था जिससे वे चांद की सतह पर तेज सफर कर सके। इस मिशन में कई अहम जानकारियां इकट्ठा की गई थी। परमाणु बमों के परीक्षण से आज के दिन दहला था अमेरिका। 27 अप्रैल 1967 को अमेरिका ने नेवाड़ा में परमाणु बमों के परीक्षण किए थे। इस दौरान 50 से ज्यादा परमाणु बमों का परीक्षण किया गया था। इन बमों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि लास वेगास में कैसीनो के शीशे टूट गए थे और आम लोगों में भय व्याप्त हो गया था। परमाणु बमों के परीक्षण से हो रहे नुकसान को देखते हुए बाद में इसे रोक दिया गया था। माना जाता है कि ये बम उन बमों से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक थे जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। बहुमुखी प्रतिभा की धनी जोहरा सैगल का आज के दिन हुआ था जन्म। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और बहुमुखी प्रतिभा की धनी जोहरा सैगल का जन्म 27 अप्रैल 1912 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। जोहरा सैगल की एक्टिंग में हमेशा गांव की झलक देखने को मिलती थी। मुंबई आने पर उन्होंने एक्टिंग को करियर बनाने की सोची और काफी समय तक थिएटर किया और बाद में फिल्मों में आई। जोहरा सैगल ने 95 साल की उम्र तक फिल्मों में विभिन्न किरदार निभाए। उन्होंने बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड फिल्में भी की। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।